लगभग लगभग मान के चलिए ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, इस बार के यूपीएससी के ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, तो एमपीपीएससी का भी ट्रेंड एनालिसिस काफी हद तक समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा पोर्शन इस बार जो है वो क्वालिटी के आया, लगभग लगभग 21 के आसपास। एनवायरमेंट करीब करीब रहा आप मान के चलिए 12 के आसपास, टेक्नोलॉजी 12 के आसपास, इकोनॉमी 15 के आसपास आप मान के चलिए, और ज्योग्राफी करीब 18 के आसपास आप मान के चलिए, ज्योग्राफी 18 के आसपास। और इसके बाद मिसलिनियस करंट अफेयर से तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो लगभग लगभग 10 के आसपास। और आप लास्ट ईयर के भी ट्रेंड एनालिसिस को अगर देखें तो आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी यूपीएससी के अंदर। अब देखेंगे लगातार, आप देखेंगे पॉलिटी 14 से लेकर के आप 24 तक, इस बार देखिए पॉलिटी 21 है, इंक्रीज हुई है एमपीपीएससी में। पिछली बार पॉलिटी के आयोग के क्वेश्चनों को मिले जाए तो 20 प्लस थे, तो पॉलिटी इस बार एमपी में भी उठेगा। एनवायरमेंट के पोर्शन को देखें अगर यूपीएससी में तो पिछली बार 13 थे, इस बार लगभग 12 हुए, एक कम हुआ। साइंस एंड टेक पिछली बार देखेंगे 11 था, इस बार 12 हुआ। ये बात मैं 2024 की कर रहा हूँ और ये 14 से लेकर अभी ट्रेंड एनालिसिस है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार 16 था, इस बार क्वेश्चन 15 हो गया। हिस्ट्री में बात करूँ पिछली बार 14 था, इस बार 12 हो गया। ज्योग्राफी पिछली बार 16 थे, इस बार 18 हो गया। और करंट अफेयर्स और मिसलिनियस पिछली बार 13 थे, इस बार 10 हो गया। तो आई होप कि हम मध्य प्रदेश पीएससी के लिए भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा स्थिति रहेगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पेपर का लेवल रहा यूपीएससी का, तो पेपर का लेवल अगर देखें तो लगभग 52 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ ईजी थे, इसमें आप 40 प्लस कर सकते थे। दूसरा मीडियम लेवल के क्वेश्चन लगभग लगभग 34 थे आप मान के चलिए, और हार्ड क्वेश्चन की बात करूं मैं, ऐसे क्वेश्चन थे 14 के आसपास जो बहुत कम लोग जुड़े। और 2023 का यूपीएससी 38 गया था, इस बार हम मान के चल रहे हैं लगभग 44 से 46 के। नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और आज हम देखेंगे यूपीएससी का हाल ही में आया हुआ एग्जाम का प्रिलिमिनरी का पेपर और क्या ट्रेंड यूपीएससी का चल रहा है, उस पर एक चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जिस पैटर्न पर एग्जाम सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर करेंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीज़ों को कहीं ना कहीं वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है। जैसे हाल ही में जो 17 मार्च 2017 को जो हेल्थ पॉलिसी आई थी, उस हेल्थ पॉलिसी में इंडिकेट किया गया था टोटल फर्टिलिटी रेट को, और टोटल फर्टिलिटी रेट के आधार पर ही जो है वो यहाँ पर एक प्रश्न बन गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है। जब एक चाइल्ड बेवरिंग की एज होती है महिला की, उसको हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। रूरल एरिया में 2.7 और अर्बन एरिया में ये 1.7 के आसपास है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वर्तमान में 2.1 के आसपास है। तो ये अभी हाल फिलहाल में क्योंकि चर्चा में था इसलिए हमको यहाँ पर इसको ज़रूर देखना चाहिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर आपको समझनी है कि जिस तरीके का करेंट सिनेरियो में ट्रेंड चल रहा है, अगर हम एमपीपीएससी के भी आगामी पेपर को ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज़रूर ध्यान में रखें कि करेंट के वेटेज को ध्यान में रखकर चीज़ों से इंटरलिंक करके पढ़ें। क्योंकि आजकल क्या है कि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं करेंट का वेटेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ट्रेंड एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अब मॉडरेट अप्रोच के साथ पूछ रहा है, लेकिन बेसिक को आपके अप्लाइड पोर्शन के साथ, कोर एरिया के साथ कनेक्ट करके परीक्षा में जो है वो प्रश्न पूछने का जो है परंपरा एक चल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न या किस तरीके का स्वरूप इस बार के एग्ज़ाम में देखने को मिला। तो आप देखेंगे कि क्या एनालिसिस रहा, है ना, हम दो मिनट पहले इसको देख लें कि क्या एनालिसिस रहा इस बार के एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आप देखेंगे लगभग लगभग पॉलिटी के और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के जो क्वेश्चन हैं वो 2024 के एग्ज़ाम में 21 के आसपास रहे। आप देखेंगे 21 के आसपास जो क्वेश्चन हैं वो लगभग लगभग यहाँ पर पॉलिटी के रहे। एनवायरनमेंट सेक्शन से करीब 12 क्वेश्चन थे, अब देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी लगभग लगभग मान के चलिए 12 थे। इकोनॉमी वाला पोर्शन थोड़ा टफ था नो डाउट, और यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या करीब 15 थी। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था उसके भी क्वेश्चनों की संख्या लगभग लगभग मान के चलिए आप 12 के आसपास थी। और बात करें अगर ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी का पोर्शन जो है करीब करीब 18 के आसपास था। बोले पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी में मिसलिनियस वाला जो पोर्शन था, जो अन्य चीज़ें थी जिसमें डिफरेंस और तमाम चीज़ें थी, तो लगभग मिसलिनियस 6 के आसपास था और अदर चीज़ें जो थी वो 4 के आसपास थी, या 4 मान लीजिए मिसलिनियस और 6 के आसपास आप जनरल नॉलेज टाइप की चीज़ें यहाँ पर मान लीजिए। तो अब पूरे एनालिसिस को अगर हम देखें ये पैटर्न आपको परीक्षा में देखने को मिला।
अगर हम पिछले सालों के दृष्टिकोण को देखें यूपीएससी के पेपर में, तो आप देखेंगे लगातार किस पोर्शन का वेटेज बढ़ रहा है या किस तरीके का ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है। अब देखिए 14 में पॉलिटी के 11 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन 16 में आए, और इस बार जो है 17 के बाद सीधे पॉलिटी जो है वो 21 पे आ गई है ना। अभी आपको मैंने बताया कि पॉलिटी लगभग लगभग आपके 21 के आसपास रही। उसी तरीके आप इन्वायरमेंट देखेंगे तो इन्वायरमेंट पिछले साल 13 था, इस बार करीब करीब मान के चलिए 12, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिछली बार 11 था, ये भी करीब करीब 12। इकोनॉमी जरूर पिछली बार 16 थी, इस बार 15 हो गई। हिस्ट्री पिछली बार 14 थी, इस बार 12 हो गई। ज्योग्राफी पिछली बार 16 था, इस बार 18 हो गया। और करेंट अफेयर्स मिसलिनियस पिछली बार 13 के आसपास था, इस बार 10 के आसपास हो गया। तो अगर एक ट्रेंड एनालिसिस को समझने का प्रयास करें तो पूरे पेपर में आप ये देखेंगे कि इस तरीके का एक सिस्टम, एक ट्रेंड आपको पूरे पेपर के दौरान देखने को मिला। अब अगर हम बात करेंगे कि किस तरीके का स्वरूप हमारे पेपर में देखने को मिला, तो आप देखेंगे लास्ट टाइम के क्वेश्चनों को अगर हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, तो मैंने एक बेसिक एनालिसिस बताया आपको कि क्या यहाँ पर किस तरीके का पेपर का एनालिसिस रहा, और फिर मैं आप क्वेश्चनों पे आता हूँ। तो यूपीएससी का प्रिलिमिनरी का पेपर थोड़ा व्यवहारिक था, अप्लाइड था, या प्रजनन दर करेंट अफेयर से जोड़ करके पूछा। 2.1 जो है 2025 का हमारा सरकार का टारगेट भी है, और प्रजनन दर लगातार जो है कंपेरेटिवली 2.6 से 2.5 होते होते 2.1 तक आ गई है। रूरल एरिया में जरूर ये बढ़ रही है, अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं डिस्टेंस हुआ। तो एक महिला के गर्भ धारण करने की आयु जब वो चाइल्ड बियरिंग एज रहती है और जीवित बच्चों को जन्म देती है, उसको हम लोग जो है प्रजनन दर कहते हैं। इसी संदर्भ में बात करें, दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमी का था, कॉरपोरेट बॉन्ड। बीमा कंपनियां जब भी, चाहे वो LIC जो 56 में बनी हो, GIC 73 में बनी हो, या जो IREDA के अंदर में रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनी हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मल्होत्रा कंपनी कंडीशन में 2000 में बना, वो जब मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ को पैसे की कमी होने पर लॉन्च करती हैं, तो पैसे का कहने के बॉन्ड के माध्यम से इकट्ठा करने का प्रयास करती हैं। इस तरीके से पेंशन निधि, इसी तरीके से खुदरा निवेशक, ये तीनों जो है मार्केट से पैसा उठाते हैं और इस तरीके से पैसा मार्केट से जनरेट किया जाता है ना। 1 ग्राम सोने पे जो है, जैसे RBI 7200-7500 रुपये लेती है, और 40 ग्राम तक सोने को भी RBI जो अपनी प्रतिभूति के रूप में लॉन्च करती है और पैसा इकट्ठा करती है, और 2 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम कितने भी पैसे को जो है मार्केट से इकट्ठा करने का कैपेबिलिटी जिस तरीके से गिल्ट एज मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI करती है, उसी तरीके से कॉरपोरेट बॉन्ड के अंतर्गत बीमा कंपनियां, पेंशन कंपनियां और खुदरा निवेशक भी जो हैं वो इस तरीके से जो है यहाँ पर चीज़ों को हैंडल आउट करते हैं। अंग्रेजी मीडियम में फर्टिलिटी रेट वाला जो ऑप्शन है, उसका आंसर मैंने आपको बताया कि फर्टिलिटी रेट वाले का आंसर जो है वो चाइल्ड बियरिंग एज है, और ये जो कॉरपोरेट बॉन्ड है इसमें तीनों आपके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे कि जिस तरीके का समावेश प्रश्नों का देखने को मिल रहा है आपको, तो आप देखेंगे ये तो पहला प्रश्न हो गया आपका जो चाइल्ड बर्थ रेट वाला था। उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में प्रश्न दूसरा वाला, तीसरा वाला भी देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न था वो भी इकोनॉमी का था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से था। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हमारे MPK के सिलेबस में भी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है कंट्रोल करता है RBI। हालांकि RBI 1934 के अंतर्गत रजिस्टर्ड रहता है, लेकिन चिटपट कंपनियों को मैनेज करने का पावर जो है वो राज्य सरकार को होता है, और NBFC का कॉन्सेप्ट जो है वो कंपनी अधिनियम 13 के तहत आया, जो संशोधन कंपनी अधिनियम 56 के तहत हुआ। तो NBFC कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक में चल निधि समायोजन सुविधा को विंडो का लाभ उठा सकती, गलत बात है। NBFC किसी भी स्थिति में RBI के मैनेजमेंट से बाहर नहीं जा सकती, और आपके 18 फरवरी 2023 को इसके लिए एक लोकपाल कंट्रोलिंग सिस्टम भी RBI ने लाया NBFC पे कंट्रोल करने के लिए, और जो है उषा थोराट कमेटी भी गठित हुई थी जिसने NBFC जो भारत में है जो तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उन पर लगाम कंट्रोल कैसे लगाए इस पर काम किया। इसके अलावा जितनी भी प्रतिभूतियाँ होती हैं वो संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। मैंने बताया आपको कि अगर आप 1 ग्राम सोने को 7200-7500 रुपये में बेचते हैं और आप 40 ग्राम तक का सोना जो है वो गवर्नमेंट से एज ए सिक्योरिटी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 2 लाख मिनिमम और 40 मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, आप पैसा जो है एज ए सिक्योरिटी आप गवर्नमेंट को वो कर सकते हैं। शेयर बाजार के ऋणों में पृथक व्यापारिक मंच के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। निश्चित तौर पर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो उसके अंदर में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है,
ये तमाम जो है वो भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मार्केट की ग्रोथ रेट के हिसाब से। तो पहला वाला इसमें गलत होना चाहिए और दूसरा पहला वाला इसमें गलत होना चाहिए। और उसके बाद जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया होगा देखेंगे जो भी मैच कर रहा होगा, दो और तीन वाला जो ऑप्शन है वो जो है इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि पहला वाला जिसमें भी आ रहा है वो इसका गलत है। तो ये तो होगा नहीं और ये इससे मिसमैच हो गया, तो इसमें ये वाला आंसर होगा। अब निम्नलिखित पर विचार करिए, किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है? भैया मोटर कार तो होगा ही नहीं क्योंकि फिजिकल है, भौतिक है। और मुद्रा की अदला बदली हो सकती है, आप सोने के बदले पैसा, पैसे के बदले सोना ले सकते हैं। और एक्सचेंज ट्रेड फंडिंग भी होती है जहाँ पर आप करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए ले सकते हैं, डॉलर के उसमें एन ले सकते हैं, एन के उसमें पाउंड स्टर्लिंग ले सकते हैं, रुपए के उसमें रेनमिनबी ले सकते हैं, है ना। ये तो हमारा जो स्पेशल ड्राइविंग राइट्स के अंतर्गत पांच करेंसी आती है उसमें एक्सचेंज सिस्टम होता है। तो पहला और जो है इसका तीसरा आंसर होना चाहिए। और मोटर वाहन जो है इसमें ये लिखित इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट प्रश्न की, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। तो कृषि उत्पाद के भंडार सेकेंडरी है, सही है, डेयरी फार्म प्राथमिक है, खनिज की खोज ये तृतीयक नहीं है, ये सेकेंडरी में आएगा, और कपड़ा बुनना है द्वितीयक में आएगा। तो इसके आंसर आएंगे केवल तीन, प्राइमरी सेकेंडरी और तृतीयक क्षेत्र से रिलेटेड है। आज़ादी के पहले एग्रीकल्चर पहले पे था, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री दूसरे पर था, सर्विस सेक्टर थर्ड पे था। आज सर्विस सेक्टर फर्स्ट पे, इंडस्ट्री सेकंड पे, एग्रीकल्चर थर्ड पे चला गया। इसी तरीके से एक अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई आदमी ने फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया, ये स्थिर पूंजी है, और वहाँ पर डेली कोई रूटीन के वर्क हो रहे हैं, ये कार्यशील पूंजी है। तो पेट्रोल जो है वो कार्यशील पूंजी है, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत ये स्थिर पूंजी है, कंप्यूटर स्थिर पूंजी है, और किसान का जो हल है वो भी स्थिर पूंजी है, वो स्थिर पूंजी के अंदर आता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किया है। और दुनिया का कोई भी आदमी अगर उत्पादन करेगा तो पहले उसको पूंजी चाहिए, फिर उसके बाद उद्यमशीलता के लिए उसके पास श्रम चाहिए, उसके पास तकनीक चाहिए, और उसके पास भूमि चाहिए, तभी आदमी प्रोडक्शन करेगा। और प्रोडक्शन करने में स्थिर पूंजी होती है और एक कार्यशील पूंजी होती है। अगर आपने कार खरीदा तो कार एक स्थिर पूंजी है, पेट्रोल डला रही है, कार्यशील पूंजी है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर केवल तीन आना चाहिए, केवल तीन जो है यहाँ पर आना चाहिए। इंग्लिश वाले वर्जन में भी इसको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक प्रश्न यहाँ पर और इकोनॉमी का दिया हुआ, इकोनॉमी के अच्छे प्रश्न हैं, पिछली बार करीब 16 थे, इस बार 14 के आसपास हैं और अच्छे प्रश्न हैं। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के किन नियमों को ध्यान रखता है? विमल जालान कमेटी 13 बनी थी, उसने बोला था कि कोई भी बैंक खोले तो न्यूनतम 500 करोड़ रुपये होना चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ है कि आवश्यकता न्यूनतम पूंजी की नहीं है, गलत बात, तो कोई भी बैंक खोल लेगा। 50 करोड़ की पूंजी के साथ 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीनबी विलय कर दिया गया। फिर 1980 आते आते जो है 200 करोड़ की संपत्ति वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये पूंजी तो लगेगी। पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों को बोर्ड सदस्यों कम से कम 50% भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका केवल दो आएगा। RTGS लघु विखंडन रिएक्टर, RTGS का प्रयोग अंतरिक्ष यानों में ऑनबोर्ड प्रणालियों की विद्युत आपूर्ति के लिए, RTGS प्लूटिनियम 243 का प्रयोग किया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक प्रश्न है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी, है ना। यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस से आया हुआ है। यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस जो होती है वो 1 से 3% तक, उसके बाद फिर 3 से 20% तक, फिर 20% से 80% तक हाईली इनरिचमेंट प्रोसेस उसमें यूटिलाइज होता है प्लूटिनियम वगैरह का। मानव शरीर में संश्लेषण के लिए रक्त वाहिकाओं को विस्थापित करता है, रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। देखिए रक्त बनता है प्लाज्मा से जिसमें 92% प्रोटीन होता है, 8% अन्य चीज़ें होती हैं, कार्पजल जिसमें RBC WBC और प्लेटलेट होते हैं। अब RBC जो है ऑक्सीजन के फ्लो को लेने का काम करता है, और अगर इसके जीवन काल में कमी आती है और RBC रक्त तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाता है तो फिर सिकल सेल एनीमिया जैसी समस्या आती है, छोटे बच्चों में थैलेसीमिया जैसी बीमारी होती है। अब कई बार रक्त का फ्लो ना होने से ये समस्या आती है। और WBC के अंदर अगर बात करें हम तो लिम्फोसाइट की मात्रा कम होने पर जो है टी सेल प्रभावित होती है, एड्स वगैरह की समस्या आती है। बेसोफिल जैसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मस्ट कोशिका कहते हैं, जो एलर्जी वगैरह से हमको बचाती है। अब कुल मिलाकर के ब्लड का अगर हम फ्लो को बढ़ाना चाहें तो हमको नाइट्रिक जो है वो एसिड की जो है यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। हाइड्रोजन जेलों का प्रयोग काय के लिए होता है? रोगियों को नियंत्रित करने में, वातानुकूलन करने, इसमें इस रोगों के विरंजन में, ठीक है, सारी बातें लगभग लगभग सही हैं, इसमें कोई डाउट वाला बात है नहीं। तो प्रॉपर तरीके से एक बार देख लेंगे और इसमें सामान्य तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, तो कोई इसमें टेंशन वाला विषय है नहीं। अब
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के अंदर आपके क्या निकलता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बहुत डिमांड चल रही है, उनसे निकलने वाला पदार्थ है वेपन अर्थात जलवाष्प, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द का इस्तेमाल क्या क्यों किया गया, ये वर्षा जल संचयन के लिए किया गया है। और जब अटल भूजल परियोजना चालू हुई थी 2015 में 9 मई को, अंडरग्राउंड वाटर जहाँ जहाँ पर भी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, वहाँ पर इस तरीके का पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू किया गया, तो लगातार ये चर्चा में था, इसलिए इससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब रडारों को लेकर के बात है कि रडार का प्रयोग क्यों करते हैं, तो रडार का प्रयोग पशुओं के प्रवास पर रखने के लिए करते हैं, वर्षण के मॉनिटरिंग के लिए करते हैं, नार्कोटिक्स की पहचान के लिए करते हैं, तो लगभग सभी तीन आना चाहिए, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये बन रहा है कि आपके नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बन रहा है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। करेंट अफेयर से चीज़ें ज़्यादा कनेक्टेड हुई हैं, तो थोड़ा करेंट ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, आप लोगों को करेंट को ध्यान में रखिए, बेसिक पढ़ते रहें, करेंट को जोड़ के कंटेंट पर इश्यूज़ और अप्लाइड पोर्शन पर ध्यान दीजिए। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रश्न है साइंस एंड टेक का, क्योंकि राफेल जो है वो 4.6 के आसपास इसका स्पीड है और MiG-29 का भी 4.1 के आसपास है, तेजस MK का 4.4 के आसपास है। तो अभी तक इंडिया में कोई भी पांचवी पीढ़ी का फाइटर विमान नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा। हालांकि तेजस MK 2 पर इस समय काम चल रहा है, मैंने क्लास में आपको हाले और माले बताए थे, हाई अल्टेप्टेड लेविटेड एंडेप्टेड एयरक्राफ्ट और मीडियम एडेप्टेड हेलीकॉप्टर, इसके अलावा मैंने आपको बताया था MQ-9B के बारे में, जो अभी $3.28 बिलियन की डील हुई है, जिसमें 26,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके हम 31 जो है ये ड्रोन भी मंगा रहे हैं। और मैंने बताया था कि भारत में अभी भी कोई भी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान अभी तक नहीं है, और ये अच्छा क्वेश्चन करंट अफेयर से यहाँ पर उठाया हुआ है। इसी तरीके से मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स के बारे में बात हो रही है, तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स जो एक प्रकार से अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के अंतर्गत आने वाली चीज़ है, और अपशिष्ट जल शोधन के अंतर्गत आने वाली प्रणाली से संबंधित यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसको भी अपने को यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि तो जिस तरीके का अपशिष्ट हो रहा है भारत में, पूरी दुनिया में, अमेरिका के बाद, ब्रिटेन के बाद, फ्रांस के बाद, लगातार जो है भारत पाँचवें नंबर का देश है जहाँ 68 मेट्रिक टन के आसपास ई कचरा हो रहा है, ई अपशिष्ट हो रहा है, और इसी कारण मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर्स की भी चर्चा है इन दिनों काफ़ी जोरों पर है। संपार्श्विकृत लेन देन से आप क्या समझते हैं, ये एक शब्दावली है संपार्श्विकृत लेन देन। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, अगर किसी आदमी को उधार लिया उसने और वो गाड़ी खरीद रहा है, तो उसको EMI बना करके सिक्योरिटी गाड़ी की एक चाबी बैंक में रख के पैसा मिल सकता है, लेकिन वो घूमने के लिए पैसा मांग रहा है, तो इस प्रकार का संपार्श्विक लेन देन भारत में अगर कोई करता है वो मुद्रा बाजार करता है। हालांकि ये भी इसका आंसर मुझे प्रथम दृष्टया लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनेटरी मार्केट जो है वो इस प्रकार के लोनों को देता है जहाँ पर उपलब्धता पैसों की हो, क्योंकि जो भी निंजा होगा, नॉन इनकम नॉन जॉब एसेट, ऐसे व्यक्ति को कोई भी लोन नहीं देगा, तो घूमने के लिए लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि घूम के आओगे तो फिर सिक्योरिटी कह रहेगी, कार खरीदने के लिए दे देगा क्योंकि कार की एक चाबी बैंक में रहेगी, किस्त नहीं दोगे, ऋण वसूली प्राधिकरण वाले जो है आपकी गाड़ी उठा करके लेके चले जाएंगे। ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये भी एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा निर्माण ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत अदानी प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहा है, तो इसमें एक विजयवाड़ा तो है और एक डोनीपोल भी है, तो इसका आंसर जो है 1 और 3 आना चाहिए। कोरिओलिस बल जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ती है, और जब भी हवा का प्रवाह बनता है तो वो तेज़ी से एक सर्कल बनाती है और एल नीनो मानसून को कमजोर करता है, लालिनो मानसून को मजबूत करता है, और जब भी हेडली कोशिका मजबूत होती है, पवन के वेग में वृद्धि होती है, ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है, और इक्वेटर पर इसकी मात्रा कंपेरेटिवली डोल्ड्रम वाले क्षेत्र में कम होती है, तो निश्चित तौर पर जो है ये प्रश्न परीक्षा में बनेगा और ये आपको वहाँ पर बनना चाहिए, तो ये एक अच्छा प्रश्न है, है ना, कंसेप्चुअल ज्योग्राफी से। इसी तरीके से जलवाष्प को लेकर के बातें हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जलवाष्प एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, है ना, बात सही है, ध्रुव पर इसका प्रसार अधिकतम होता है, दोनों बातें सही होना चाहिए। अब हम बात करें एल्बिडो वाले कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ाया भी था इसको डिटेल में। अब 21 जून को उत्तरायण होने पर सूर्य जब उतर जाता है, और 2015 से UNO जो है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस मनाता भी है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो कर्क रेखा और दूसरा आर्कटिक व्रत,
तो 2 और 4 इसका आंसर आना चाहिए, जहाँ पर कि 12 घंटे से अधिकतम है तक के जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो विद्यमान रहता है। पूरी कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी यहाँ पर पूछी गई है। इसी तरीके से एक प्रश्न ज्योग्राफी का और है जो काफ़ी अच्छा है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि कहाँ है जो जीवाश्म ईंधन से संबंधित होने के कारण और संभव विनाश को वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। कांगो बेसिन पिग्मी ट्राइबल रहती है यहाँ पर। उसके बाद तापमानों में वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न होता है, वर्ष भर वर्षण होता है, वर्षमंडल में भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये जो है ये कहाँ पर होता है इस तरीके की सरकमटेंसेस, वर्ष भर वर्षा होती है और ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर सी आना चाहिए, है ना। तो एक बार और देख लेंगे आप। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लगभग मान के चलिए जो जरूरी है वो पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे करा दिया जा रहा है। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये है कि भाई कौन जो है वो आपके मटर कुल है, ये तीनों जो है मटर कुल है, ये तीनों बातें सही है। लास्ट टाइम जो है डेसिडियस फॉरेस्ट कौन नहीं पूछ लिया था, सागौन नहीं है, महुआ नहीं है, कटहल नहीं है, तो यहाँ से लगातार प्रश्न जो है आ रहे हैं। ग्राउंडनट, हॉर्स ग्रेन और सोयाबीन जो है वो तीनों इसके अंतर्गत आना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो लगातार प्रश्नों के स्वरूप में ज्योग्राफी जो है थोड़ी सी कंसेप्चुअल पूछी है, और कंसेप्चुअल ज्योग्राफी तो इजी होती है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। अच्छा, काफ़ी के लिए कौन जो है, कोको के लिए, तो कोको के लिए ये कोटेडी, आइवर और घाना ये दोनों आएंगे। हमने कोफी अन्नान की कहानी भी सुनाई थी और बताया था कि कोफी अन्नान जो थे वो महासचिव यूनियन के बने थे और वो घाना के रहने वाले, घाना में जो है कोको बहुत होता है, जबकि सेंटोस वगैरह में कॉफ़ी होती है ना, श्रीलंका वगैरह में चाय होती है। गोमती, गग्गर, गंडक और कोसी ये प्रयागराज से अगर देखें तो पूर्व प्रायद्वीपीय भारत की ओर आने वाली प्रमुख नदी है, है ना। ये आपके आपके गंडक, गोमती और गोमती, घाघर, गंडक और कोसी, कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। अब यहाँ पर यह है कि मालवा की जगह यहाँ महाकौशल आएगा तो पहला वाला तो गलत हो गया, और यहाँ नेत्रवती की जगह सरावती आएगा तो ये वाला भी गलत हो गया। तो हुंडू, छोटा नागपुर, ये वाला सही है, तो आंसर केवल आएगा केवल 2, क्योंकि जो गरसुप्पा ये जो है वो सरावती नदी पर है और लगातार ये चर्चा में भी रहा है। इसी तरीके से कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं जो आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया सिकाड़ा से संबंधित, सिकाड़ा एक कीट है ना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड। उसी तरीके से वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, उम्मीद थी कि वर्ल्ड ट्रेड आएगा लेकिन उन्होंने वर्ल्ड टॉयलेट पूछ लिया, यूएनओ की एजेंसी नहीं है। इसके कार्यों का मुख्य कम विकसित देशों, विकासशील देशों, खुले में सोच समाप्ति के लिए प्राप्ति नहीं देना, खुद ही गरीब है कहाँ से निधि देगा ये, है ना। तो ये बिंदेश्वरी पाठक को भी पद्म विभूषण भी मिला है और सुलभ इंटरनेशनल 1970 में जो है वो बने थे, शायद किन्हीं कारणों से ये प्रश्न जो है पूछ लिया गया है परीक्षा में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि 100 मिलियन जो है किसानों, 100 मिलियन किसानों का जो यहाँ पर बात हो रही है लक्ष्य की, इसको देख लेते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो ये नेट कार्बन से रिलेटेड है कि कार्बन की मात्रा यहाँ पर कम होनी चाहिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, और ये सीधा सा प्रश्न है कौन सा वृक्ष है जो कीट के अद्वितीय संबंध को दर्शाता है, अंजीर होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है क्या। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो साहिल क्षेत्र वाला ये जो प्रश्न है इसके तो दोनों बातें सही हैं और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, लगातार ये क्वेश्चन चर्चा में भी था इसलिए कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव हटाने कोई संकल्प विचार में पीठासीन नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा और संकल्प प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो पहली बात तो लोकसभा जिसको हटाने का कोई संकल्प लाए तो ये वाला बात, और आपका संकल्प प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा ये वाला, तो लगभग बोलने का मतलब मान के चलिए एक कौन से सही हैं, तो इसमें आपको याद रखना है ये प्रश्नों को तो अपने को देखना पड़ेगा, है ना। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, संकल्प प्रथमतः मतदान देने का अधिकार नहीं होगा, तीसरा वाला तो इसका नहीं है, तो आंसर 1 और 2 आना चाहिए, ठीक है। एक बार और देख लेंगे इसको आप। अब आगे आते हैं, वेनेजुएला में आर्थिक संकट आया, तेल भंडार है ना, ये दोनों बातें सही हैं, ये भी क्वेश्चन चर्चा का विषय रहा है क्योंकि ओपेक के कारण जो है वेनेजुएला चर्चा में रहा है, दोनों बातें सही हैं। अब भारत की संसद के संदर्भ में सदन में 17वें सेशन के लिए मंत्रिपरिषद की परामर्श की आवश्यकता नहीं है, सही बात है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के और लोकसभा के विघटन राष्ट्रपति के सदन परिषद को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, 2 और 3 आना चाहिए, पहला
तो स्तंभ तो गलत है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। पॉलिटी भी कॉन्सेप्चुअल पूछी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर टेंशन लेने वाली। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो ये योजना में जो है पहला वाला गलत है, दूसरा वाला जो है सही है। और ये नारी शक्ति बंधन जो 106वां महिला आरक्षण है, 8वीं लोकसभा तो अभी बनी है तो यार 17वीं आएगा, तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला आरक्षण राममूर्ति कमेटी लगातार चर्चा का विषय रहे हैं, इस वजह से ये डायरेक्ट हिट है। यहाँ पर प्रतिषेध के बारे में है ना, 226 में हाईकोर्ट और 32 में सुप्रीम कोर्ट को राइट टू रिमिट्स का पावर है। 5 प्रकार की रेट होती है, अमेरिका में इंजेक्शन 6वीं रेट होती है। तो ये प्रतिषेध जो है ये किसी मामले में कार्रवाई को जारी रखने का प्रतिषेध या रोकने का अधिकार है। केंद्रीय बजट के संदर्भ में क्या है, प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री को क्या गलत बात है, राष्ट्रपति आएगा यहाँ पर, ठीक है क्या? और भारत के राष्ट्रपति को अनुदान मांगो पर उसके बगैर चर्चा नहीं हो सकती। पहले 103 मांगे सामान्य थी और 32 मांगे जो थी वो रेलवे से संबंधित, और 6 मांगे जो थी वो रक्षा से थी। तो आज की डेट में 103 मांगे हो गई सामान्य और रक्षा की हो गई 6, और 32 मांगे जो अनुदान मांगे थी वो एक बार कमेटी की रिकमेंडेशन जब 24 में आई थी तो रेलवे बजट अलग बनता था, लेकिन 17 को विवेक देवराय कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद रेल बजट भी जो है सामान्य बजट के साथ ही बनने लग गया। जो है चीज़ें फिर उसके बाद लगातार चर्चा का विषय रही हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी के बाद पहले कौन अस्थायी अध्यक्ष था, 9 दिसंबर को थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। 1935 एक्ट के बारे में अखिल भारतीय कमेटी 1935 में बनी थी, MPPSC में भी आया था। सेकंड वाला गलत है, रक्षा और विदेश उसके अंतर्गत आएगा। सुमेट पाइपलाइन निरोध जाने वाले फारस की खाड़ी को करने की एक रणनीति है और लाल सागर को जोड़ती, दोनों ही बातें सही है परंतु ये जो प्रॉपर व्याख्या नहीं करते है ना। अब आंसर क्या देता है UPSC, ये देखना पड़ेगा है ना, ये UPSC का दृष्टिकोण है, वो क्या आंसर देगा वो आफ्टर रिजल्ट पता चलेगा। इसके साथ ही लाल सागर लगातार सरके में था, सोमालिया के लुटेरे इसको लूट रहे थे। तो लाल सागर किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण वाला क्षेत्र, लाल सागर नदियों का प्रवेश ना के बराबर है, एक और दो दोनों से ही ज्योग्राफी से उठा है। नाटककार भास की रचना क्या है, भास की रचना है मध्यम योग, ये अपने को याद रखना है, मध्यम योग जो है इसकी रचना है। अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत किसको मानती है, तो अभी सल्फर डाइऑक्साइड जो है बहुत सारे जहाज़ों से निकल रहा है, एस्को से निकल रहा है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड एशिया में तेज़ी से बढ़ भी रहा है। तो ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडस्ट्री है ये जीवाश्म ईंधनों सबसे ज़्यादा जो एस्को का धातु निष्कर्षण है उसको मानती है, आपको याद रखना। अगला है जो एक संघभूति नाम के भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, वे चीन की यात्रा पर निम्नलिखित में से उन्होंने किस भाषा में जो है उसका अनुवाद किया था, ये इतिहास का क्वेश्चन है। और ये आप यहाँ पर संघभेद, ये आएगा आपका सर्वास्तिवाद विनय है ना, लास्ट टाइम मंजूषी पूछ लिया था MPPSC में वज्रयान से रिलेटेड। उसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि यूनेस्को जो कि 16 नंबर 46 को बना, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो आपके पेरिस में है, तो शांति निकेतन को जो है और कर्नाटक के होसाल मंदिर को जो है 41वीं 42वीं साइट के रूप में शामिल किया गया, जबकि पिछली बार रामप्पा मंदिर धोलावीरा 39 और 40 साइट थी, और 43वीं साइट जो है वो आपके पुष्पवन जो है अभी हाल फिलहाल में वो आपके गुजरात के शामिल हुए। डायरेक्ट क्वेश्चन था, रात्मक जनसंख्या का आंकी इटली की नहीं है, दक्षिण अफ्रीका की नहीं है, है ना, सॉरी जापान की है, थोड़ा गड़बड़ हो गए, कहाँ की जनसंख्या बोल रहा है कि ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक जनसंख्या कहाँ की है बोल रहा है ना, थोड़ा प्रश्न को समझने में गड़बड़ हो गया। इटली है, जापान है, इसमें ये नहीं है, और दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और आपका 1, 2 और 5 है ना, तो 1, 2 और 1, 1, 1, 3 और 5 सॉरी 1, 3 और 5 ये आंसर इसका होना चाहिए है ना। ये अच्छा प्रश्न है, ऋणात्मक जनसंख्या को लेकर लेनिन माता पुरस्कार भी अभी हाल फिलहाल में घोषित किया गया था, तो लगातार ये चर्चा में था। इसी तरीके से ये लिस्ट पूछ ली है भारत 2024 अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें डायरेक्ट ये वाला सही है, ब्रिगेडियर और ये मेजर वाला लगातार चर्चा में था, प्रश्न पूछ लिया। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि US में अपने ऋण पर चूक करता है तो US ट्रेजरी बांडों को धारक भुगतान करने के अपने दावों को प्रस्तुत नहीं कर सकता। सही बात है, जब 2007-08 में लेमन ब्रदर्स ने अमेरिका को लोन दिया और बाद में बैंक डूब गया और सबप्राइम संकट आया तो वहाँ के बैंकों ने सरकार का कुछ नहीं कर पाए। हाँ, US सरकार का ऋण कोई हार्ड परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, केवल सरकार के विश्वास के आधार पर चीज़ें हैं कि हाँ कल सरकार चाहे तो आपका दिया हुआ लोन, क्योंकि आप सरकार के बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है, वापस दे सकते हैं। तो पहली बात तो गलत है, दूसरी बात इसकी सही है।
तो पहली सही है, दूसरी गलत है। ये सब प्राइम संकट से पूछा हुआ है, 2007-08 में भी सब प्राइम संकट जो है लगातार चर्चा का विषय था। इसी तरीके से एक नॉन परफॉर्मेंस एसेट से क्वेश्चन है कि भाई अगर आप RBI हैं और आपने बहुत सारे बैंकों को लोन दे दिया सामूहिक तौर पर, तो जोखिम बढ़ेगा, सीधी सी बात है। इसलिए तो बेसल एक आया कि भाई 100 में 13% पैसा डूब सकता है, बेसल 2 आया 100 में 11 डूब सकता है, बेसल 3 लागू है 100 में 8 डूब सकता है। तो पहली बात तो सही है। दूसरा, ऋणों की नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकती है, व्यवस्था क्रेडिट लाइन के रूप में, आप 50 लाख रुपये आपने लिया तो आप टुकड़े टुकड़े में लो, दोनों बातें सही हैं, परंतु ये प्रॉपर तरीके से जो व्याख्या नहीं करते एक दूसरे की, ठीक है। ये एक प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट जो है, और हमारा 1998 में 58,000 करोड़ रुपये डूब रहा था, आज की डेट में 11 लाख करोड़ बैंकों का डूब रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत पूछी है। एक और क्वेश्चन अभी देखते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप सॉवरेन मुद्रा है, सही बात है। बैलेंस शीट पर देयता रूप में दिखाती, सही बात है। डिजाइन मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमा कराती, ये बात गलत है, क्योंकि जो CRR पर मिलने वाला ब्याज हुआ करता था फियो रेट, उसको 2016 से जो है वो फाइनली जो है दीपक मोदी कमेटी की रिकमेंडेशन पर बंद कर दिया है। तो इन्फ्लेशन के विरुद्ध बीमाकृत करने वाली जैसी बातें वो खत्म हो गई, क्योंकि जो फियो रेट मिलता था वो आज की डेट में RBI द्वारा 2016 से नहीं दिया जा रहा है। इनाम गांव महाराष्ट्र ये सही है, मुंगडू ये सही है, पहला वाला और दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जो आहार और गिलुंद संस्कृति थी वो राजस्थान से रिलेटेड है, दिमाबाद और इनाम गांव तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ताम्रपाषाण बस्ती एरण कायथन आदरटोली मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, 1400 से 2000 के बीच में ताम्रपाषाण बस्तियों का इतिहास रहा है, और महापाषाण जब मध्य प्रदेश रीवा सिवनी और ग्वालियर है, तो निश्चित तौर पर पहली महापाषाण की बस्ती जो थी वो मकुंड थी, जो कि केरल के अंदर थी, और लगातार जो है इसको लेकर के चर्चा रही है, इसलिए प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कार्नवालिस के संबंध में, एक प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे। तो कार्नवालिस जो है उनने 1793 में जो है वो स्टेबल, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक स्थाई बंदोबस्त मेथड दिया था। तो यहाँ पर पहली पॉइंट में रेयतवाड़ी दी, और रेयत मतलब किसान होता, तो महाल मतलब गांव होता था, इसको तो लॉर्ड मैकेंजी ने दिया था, ये तो गलत हो गया। दूसरी बात, उसमें लॉर्ड रिपन ने व्यवस्था लाई थी, अगर कोई व्यक्ति अपना लोन अपने कर्ज के कारण अपना परेशान है तो उसको जो है थोड़ी बहुत रेवेन्यू में छूट दी जाएगी, ये 1883 में बोला गया था। तो इसका आंसर केवल 2 आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको यहाँ पर दिमाग में सेटअप करके रखना है, ठीक है क्या? रिकॉर्डिंग में बोलो, इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उस पर चलते हैं। अब जो है परिसीमन आयोग कब बना, तो भैया पहला 52 में, फिर 62 में, और फिर उसके बाद 72 में, फिर 2002 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, और अब 2026 में होने का नेक्स्ट। तो इसका आंसर 4 है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और आर्टिकल 82 में डेलिमिनेशन कमीशन के बारे में बात है, परिसीमन कमीशन के बारे में बात। 71वें संविधान संशोधन, 92 से कौन सी भाषा जोड़ में, फार्मूला था क्लास में नमक करके, तो नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, याद हो गया, मैथिली बाहर है, क्योंकि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये बाद में जुड़े थे 4। तो शुरू में 14 थे, 15वीं भाषा के रूप में जो सिंधी जुड़ी 1967 में 21वें संविधान संशोधन से, उसके बाद ये 3 जुड़ी, और उसके बाद जो है ये 4 जुड़ी, 22 वर्तमान में है। क्वेश्चन डायरेक्टर, भाग 9 में नगर पालिका सही है, इमरजेंसी भाग 18 में सही है, संविधान संशोधन 300 वर्ष साउथ अफ्रीका से लिए इसमें सही है, 3 आंसर सही है, डायरेक्ट हिट है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हमारे पढ़ाई में से। अब इसके बाद भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत विषय, राज्य सूची के अंतर्गत अंतर विषय है, और ये पहला वाला पॉइंट सही है, 307 के 301 से 307 में जो है वो अंतर्राज्यीय ट्रेड के बारे में बात की गई है।
उसके बाद ये भारतीय जनसंघ श्यामाचरण शुक्ल सोशलिस्ट पार्टी, इसमें इनको मिलाना था, तो इसमें कौन कितने सही है, तो सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र हुए और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है, ये वाली बात सही है, और ये भारतीय जनसंघ, तो लगभग दो सही है इसके। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है आर्टिकल 21 से, इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 21 लगातार चर्चा में है, हर आदमी को अपने स्वच्छ पानी का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, अच्छे से नींद का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसका विस्तार करने की बात कही है, लगातार चर्चा में है, तो यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे CDS के बारे में, पूछा एक क्वेश्चन उन्होंने, आराम से 45-50 पे सिलेक्शन हो जाएगा, पिछले बार 38 पे सिलेक्शन हुआ था। अब चीफ जस्टिस ये करता है सही, ये करता है सही, ये सैन्य वाला नहीं करता भैया, गलत। 49 से हमारा अंतर रहेगा चर्चा में थी, और कनाडा और अमेरिका सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन को एक दूसरे से छूते हैं, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि भैया जो अभी ये मित्रा करके एक सांसद थी, उनको बाहर कर दिया गया था उनके दुर्व्यवहार के चलते, आचरण चलते, तो एक इथिकल कमेटी लोकसभा में होती है, ये बात सही है, ये बात सही है। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों की कमेटी होती है, कोई तो ये लगातार करंट अफेयर्स में चर्चा में था, क्वेश्चन यहाँ से उन्होंने उठा लिया, और इसके लिए तो लोग लेखा प्राकलन पढ़ते, उन्होंने नैतिक समिति पूछ ली। इसके साथ ही ऑपरेशन सद्भावना, ये 2022 में हम उम्मीद कर रहे थे आएगा, 22-23 की चीज़ को इन्होंने इस बार पूछ लिया। तो आई होप कि लगभग मान के चलेंगे कि MPPSC के प्रिलिमिनरी के अंदर भी इसी तरीके का ट्रेंड एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और हम MPPSC के लिए भी उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिला के टॉपिक हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है, एक हम यहाँ पर आपको एक एनालिसिस 2 मिनट बता दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट वाला स्थिति आपके साथ ना रहे, और लगभग मुझे लगता है 45 क्वेश्चन के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार ये यहाँ पर, ये लगभग मान के चलिए ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, इस बार के UPSC के ट्रेंड एनालिसिस की बात करें, तो MPPSC का भी ट्रेंड एनालिसिस काफ़ी हद तक समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन इस बार जो है वो क्वालिटी के आए, लगभग 21 के आसपास। एनवायरमेंट करीब रहा आप मान के चलिए 12 के आसपास, टेक्नोलॉजी 12 के आसपास, इकोनॉमी 15 के आसपास आप मान के चलिए, और ज्योग्राफी करीब 18 के आसपास आप मान के चलिए, ज्योग्राफी 18 के आसपास, और इसके बाद मिसलिनियस करंट अफेयर्स से तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो लगभग 10 के आसपास। और आप लास्ट ईयर के भी ट्रेंड एनालिसिस को अगर देखें तो आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी UPSC के अंदर। अब देखेंगे लगातार, आप देखेंगे पॉलिटी 14 से लेकर के आप 24 तक, इस बार देखिए पॉलिटी 21 है, इंक्रीज हुई है MPPSC में, पिछली बार पॉलिटी के आयोग के क्वेश्चनों को मिले जाए तो 20 प्लस थे, तो पॉलिटी इस बार MP में भी उठेगा। एनवायरमेंट के पोर्शन को देखें अगर UPSC में, तो पिछली बार 13 थे, इस बार लगभग 12 हुए, एक कम हुआ। साइंस एंड टेक पिछली बार देखेंगे 11 था, इस बार 12 हुआ, ये बात मैं 2024 की कर रहा हूँ, और ये 14 से लेकर अभी ट्रेंड एनालिसिस है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार 16 था, इस बार क्वेश्चन 15 हो गया। हिस्ट्री में बात करूँ पिछली बार 14 था, इस बार 12 हो गया। ज्योग्राफी पिछली बार 16 थे, इस बार 18 हो गया। और करंट अफेयर्स और मिसलिनियस पिछली बार 13 थे, इस बार 10 हो गया। तो आई होप कि हम मध्य प्रदेश PSC के लिए भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा स्थिति रहेगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो पेपर का लेवल रहा UPSC का, तो पेपर का लेवल अगर देखें तो लगभग 52 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ इजी थे, इसमें आप 40 प्लस कर सकते थे। दूसरा मीडियम लेवल के क्वेश्चन लगभग 34 थे अब मान के चलिए, और हार्ड क्वेश्चन की बात करूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन थे 14 के आसपास जो बहुत कम लोग जो है। और 2023 का UPSC 38 गया था, इस बार हम मान के चल रहे हैं लगभग 44 से 46 के बीच में। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।